हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ बहुत ही अच्छा व्रत के लिए। नवरात्र चल रहा है, व्रत के लिए मैं बहुत ही अच्छा फलाहारी बनाने जा रही हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने आधे कटोरी के लगभग साबुत दाने लिए हैं, थोड़ा सा मूँगफली मैंने भुने हुए मूँगफली है रोस्ट किए हुए। ये मखाना है जिसे मैं रोस्ट करूँगी, ये भुना हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने चीनी के कुछ पीसे हुए चीनी मैंने लिए हैं, दो चम्मच के लगभग चीनी है, दो तीन मैंने हरे मिर्च लिए हैं, दो तीन मैं सजाने में काम कर मिलाऊँगी। दो मिर्चों को मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले साबुदाना को हम लोग चलिए भिगो लेते हैं बहुत ही, एक से दो चम्मच पानी में आप इसे अच्छे से इस तरह से भिगो लें, जिससे बहुत ही खिले खिले और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हो। व्रत के लिए है इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, अगर आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दो से तीन चम्मच पानी डाला है इसमें। इस तरह से इसे दो मिनट के लिए रेस्ट पैन में छोड़ देते हैं। तो चलिए, इधर मैंने तेल गरम कर लिए हैं, आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुके हैं। इधर इसमें सबसे पहले मैं अपना ये खाना है इसे मैं भून लेती हूँ अच्छे से। इस तरह से इसे लाल नहीं करना है, हल्का सा भून जाए, आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें भून लेना है। आप देख सकते हैं मैंने साबुदानी को इस तरह से भून लिया है, इस तरह से इसे फुला लिया है। देखिए इस तरह से आप फुला लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। देख रहे हैं किस तरह से छिल रहा है, इसी तरह से छिलने लगेगा। आप देख सकते हैं इसी तरह से, देखिए कितने खिले खिले हो रहे हैं। इसी तरह से आप ही भून लें सारे को, फ्राई कर लें अच्छे से। उसके बाद में आगे का प्रोसेस थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में मैं मिर्ची डालूंगी इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं कि मैंने साबुदाने को अच्छे से फ्राई कर लिया है और मखाने को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से आप भी फ्राई कर लें। इसमें मैंने भुने हुए मूँगफली हैं कुछ, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी मैंने बताया था, मैं मीठा बना रही हूँ स्पेशल व्रत के लिए, इसलिए इसमें मैंने थोड़े से आप मिर्च पाउडर मिर्च डाल दें, ग्रीन मिर्च मैंने इसमें कट कर ली है, इस तरह से डाल दें। आप कुछ किशमिश के भी दाने इसमें ऐड कर सकते हैं, छुहारा ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट आपको जो इच्छा हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मैंने यही डाला है। आप चाहें तो अगर सिंधा नमक आप खाते हो, व्रत वाली फलाहारी नमक, तो आप डाल सकते हैं इसमें, इससे और भी ये मीठा नमकीन अच्छा और टेस्टी लगेगा। तो लीजिए तैयार है मीठा नमकीन मीठा साबुदाना नमकीन जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा व्रत के लिए। आप लोग भी इसे बनाएं और कैसा लगा मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।